वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बरनाला जिले च पेंदे कस्बा तनोला दे कोठे गोबिंदपुरा दे नौजवान लवप्रीत सिंह वालों खुदकुशी करन तो बाद विवादां च गिरी मृतक लवप्रीत की पत्नी बेअंत कौर के माता पिता मीडिया के सामने आए। बेअंत कौर के पिता जगदेव सिंह अते माता सुखविंदर कौर ने दसिया कि उन्होंने धी पहले लवप्रीत नाल मंगनी हुई सी। मंगनी तो दो साल बाद दोवां दा पूरे रीति रिवाजा नाल विआह होया। इस तो उपरंत लगातार उन्होंने धी वालों लवप्रीत के सहुरा परिवार नाल गलबात की जाती रही है। पिता जगदेव ने कहा कि लवप्रीत की मौत तो बाद उन्होंने वालों सारे फर्ज निभाए गए। उन्होंने खुलासा करदे दसिया कि पहला उन्होंने जानकारी दी गई कि मुंडे की मौत अटैक नाल हुई पर बाद विच ए कहा गया कि उसने खुदकुशी की है। कुड़ी के पिता ने दसिया कि उन्होंने धी की हालत बहुत ही माड़ी है। इस तो अलावा जानबूझ के उन्होंने उन्होंने धी के उत्ते झूठे दोष लगाए जा रहे हैं। बेअंत कौर की माँ ने दसिया कि लवप्रीत नूं कैनेडा ले जाने लई सारी फाइलिंग पूरी की जा रही थी पर कोरोना महामारी कारण लगे लॉकडाउन करके लवप्रीत के कैनेडा जाने विच देरी हो गई। फिर भी लवप्रीत ते उसके परिवार उन्हां दी धी ते कैनेडा ले जाने लई दबाव बनाया रहा। फिर भी लवप्रीत उसके परिवार अते उन्हां दी धी उते कैनेडा ले जाने लई दबाव बनाउंदा रहा। बेअंत वल्लों लवप्रीत अते उसके परिवार नूं पैसे भी भेजे जाते रहे। बेअंत कौर के परिवार मुताबक हुण लवप्रीत की मौत तो बाद उन्होंने धी नूं बेवजह बदनाम किया जा रहा। जिस दिन लवप्रीत की मौत हुई उस दिन उन्होंने परिवार वालों सहुरा परिवार दीआं सारीआं रस्मां निभाईआं। बेअंत कौर के पिता ने कहा कि सोशल मीडिया से पाईआं जाण वालीआं पोस्टां ते रोक लगाई जाए और उन्होंने धी नूं बदनाम करन वालिआं नूं सज़ा मिलनी चाहिए है। इस तों इलावा बेअंत कौर की माँ ने लवप्रीत वालों खुदकुशी किए जाण दी घटना नूं नकारिआ। उन्होंने कहा कि लवप्रीत ने खुदकुशी नहीं की सगों उसकी अंदरूनी किसी कारण मौत हुई है जदों की ये सारे इल्जाम उन्होंने धी उत्ते मड़े जा रहे हैं।